तो रेसलमेनिया 37 का जो स्टेज है वो आज से कुछ घंटे पहले WWE ने खुद ही रिवील कर दिया था, और जो स्टेज है वो सभी लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं। स्टेज तो भाई WWE ने एकदम कमाल है, धांसू बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब WWE सुपरस्टार की इस धांसू स्टेज के ऊपर एंट्री होने वाली है तो उसका जो कैच फ्रेज है जैसे फीन का लेट मी इन हो गया, वो एकदम 3D में प्रोजेक्ट होगा, तो शायद आप लोग बिलीव नहीं करोगे। लेकिन भाई सही में ये चीज़ होने वाली है रेसलमेनिया में, और इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज रिटर्न होगी रेसलमेनिया में, और नाइट वन के ऊपर आ सकती हैं द मैन बेकी लिंच, और ये बात उन्होंने रिसेंटली खुद ही कर दी है टीज। जॉन सीना भी एक काफ़ी सरप्राइज वे में पार्ट हो सकते हैं इस साल रेसलमेनिया का। जेरिको ने भी इस बात को टीज किया कि शायद वो भी रेसलमेनिया के अंदर आ सकते हैं। और भाई WWE ने भी अपने एक चैंपियनशिप मैच की जो स्टिपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखी है जब रेसलमेनिया इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें होंगी जो कि आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए रेसलमेनिया 37 के शुरू होने से पहले, और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे ताकि आपको सारी अपडेट्स एकदम डिटेल में पता लग जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जैसे मैंने कहा कि WWE का एक जो चैंपियनशिप मैच है उसकी एक जो स्टिपुलेशन है वो WWE ने अभी फिलहाल जब रेसलमेनिया एकदम नज़दीक आ चुका है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखी है, और ये जो मैच है वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होगा। यहाँ पर करंट इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बिग ई हमें अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आने वाले हैं द नाइजीरियन अपोलो क्रूज के खिलाफ। अब इस मैच के अंदर जो स्टिपुलेशन ऐड हुई है वो तो हम सभी जानते हैं, स्टिपुलेशन जो ऐड हुई है वो है एक नाइजीरियन ड्रम फाइट। लेकिन भाई आपको बता दूं आज से कुछ घंटे पहले बिग ई और अपोलो क्रूज का इंटरव्यू होता है, उसे पूछा जाता है कि भाई एक्चुअल में नाइजीरियन ड्रम फाइट है क्या। तो यहाँ पर जो बिग ई एंड अपोलो क्रूज है वो बताते हैं कि हमें खुद आइडिया नहीं कि नाइजीरियन ड्रम फाइट है क्या, हमें भी फिलहाल बताया नहीं गया कि इस फाइट के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन जो भी ये मैच काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग रहेगा। और रिसेंटली रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से भी एक अपडेट आई है सामने, रिंग साइड न्यूज़ का मानना ये है कि अभी स्टिल जो बैक स्टेज है उसके ऊपर ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि हम लोग नाइजीरियन ड्रम फाइट के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, अभी फिलहाल कोई भी बातें कन्फर्म नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया कि नाइजीरियन ड्रम फाइट है क्या चीज़, आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बता सकते हो। मुझे क्या लगता है कि रिंग के चारों तरफ चार ढोल रख दिए जाएंगे और भाई एक एक करके बंदे को जो सिर है उसके ऊपर बजाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके जो बंदा है वो आखिरी में जो पहले चारों सिर बजा देगा बंदे के, क्या करूं मैं, चार सिर नहीं बल्कि एक जो सिर है वो चारों ड्रम के ऊपर बजा देगा, तो वो सुपरस्टार जीतने वाला है। मतलब मैं मजाक कर रहा हूं। अब देखते हैं भाई क्या स्टिपुलेशन होती है नाइजीरियन ड्रम फाइट, आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे Y2J क्रिस जेरिको के बारे में जुड़ी है। जब जेरिको ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर आएंगे तो इसको सुनकर ऑलरेडी जो बहुत सारे फैंस है वो हैरान है। लेकिन रेसलमेनिया की नाइट वहां से जस्ट कुछ घंटे पहले जो क्रिस जेरिको एक ऐसा कारनामा कर दिखाते हैं जिससे जो फैंस है वो ये बात सोच रहे हैं शायद जो AEW है वो रेसलमेनिया 37 के अंदर हमें इन्वेड करते हुए नजर आने वाली है। अब होता क्या, जेरिको रिसेंटली जो WWE का प्राइवेट जेट है उसके साथ एक फोटो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग भी अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। यहां सामने जेरिको है, पीछे WWE का हमें जो प्राइवेट जेट कह लो या फिर प्राइवेट प्लेन कह लो वो दिखाई दे रहा है, और जेरिको कहते हैं कि भाई मैं इस प्लेन को पहचान गया WWE। उनका कहना यह है कि मैं पहचान गया WWE, तुम्हारा जो पर्सनल या फिर कह लो जो प्राइवेट जेट है वो है, मे बी इसके अंदर विंस मैकमैन ट्रैवल करते होंगे या फिर जो WWE के काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं वो ट्रैवल करते होंगे। अब इसी जो पूरी पोस्ट है उसके नीचे कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है कि भैया AEW का इन्वेजन होने वाला है WWE के अंदर, या फिर जो जेरिको है वो WWE के अंदर आने वाले हैं, या फिर इन दोनों का कोलैब होने वाला है। लेकिन मुझे क्या लगता है, सिर्फ जो जेरिको है वो भी फिलहाल ट्रोल कर रहे हैं WWE के फैंस को एंड AEW के उन फैंस को जो कि ये बात सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया के अंदर AEW इन्वेड करने वाली है। इस फोटो से कहीं ना कहीं ये बात पता लगती है कि अभी फिलहाल जो जेरिको है वो टैंपा बे के अंदर ही है, क्योंकि ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे लोकेशन के ऊपर टैंपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो AEW का कोलैब है वो इतनी जल्दी पॉसिबल होने वाला है, और किसी भी हालत में जेरिको रेसलमेनिया के अंदर नहीं आने वाले हैं। बाकी देखो भाई इसका आगे क्या कुछ मतलब निकलता है, लेकिन ज़रूर से एक बड़ी चीज़ है जब रेसलमेनिया इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया और जेरिको कुछ इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो बढ़ लेते हैं, आई मीन क्या कहता हूँ मैं, नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। और बेकी लिंच ने भी इस बात को टीज कर दी है कि रेसलमेनिया 37 की नाइट वन के ऊपर वो भी हमें आते हुए नजर आएंगी। अब ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि बेकी लिंच ने खुद ही इस बात को टीज की है। अब उन्होंने टीज किया अपने एक रिसेंटली एकदम न्यू नवेली वर्कआउट फोटो से, वो जो फोटो अपनी स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होगे, और फाइनली जो एक बार फिर से बेकी लिंच है वो जिम जा रही है और वो वर्कआउट करना शुरू कर रही है। यहाँ पर जो कैप्शन है देखने में काफ़ी अजीबो गरीब है, उन्होंने लिखा है नथिंग इज गारंटीड हियर टुनाइट ओनली नाउ एटर्नली। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, सिर्फ जो आज चीज़ें होने वाली हैं उसके लिए बेकी लिंच काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब
देखो ये जो कैप्शन है वो तो थोड़ा डिफरेंट है ही, लेकिन अगर आप लोग पूरे जो सेंटेंस है उसका पहला पहला वर्ड अलग निकाल लोगे, यानी कि एन का आपने एन अलग निकाल लिया, आई मीन क्या कह रहा हूँ मैं, एन का एन कैसे निकाल लोगे, नथिंग का एन आपने अलग निकाल लिया, इसका आई अलग निकाल लिया और गारंटीड का जी अलग निकाल लिया, हेयर का एच, सारे अगर आप वर्ड्स एकदम लाइन में जोड़ोगे तो सीरियल वाइज जाके बनता है नाइट वन। अब कुल मिला के शायद बेकिलेंस यहाँ पर ये बताना चाहती हैं एक वर्कआउट की फोटो के साथ वो पूरे तरीके से रेडी हैं और मे बी नाइट वन के अंदर रेसलमेनिया में उनकी सरप्राइज रिटर्न हो सकती है। अब इसके बाद रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से भी एक अपडेट आती है सामने। रिंग साइड न्यूज़ का ये मानना है कि WWE अपना फुल ट्राई कर रही है कि वो बेकिलेंस को इस साल रेसलमेनिया के अंदर बुक करे, चाहे रेसलमेनिया के अंदर बेकिलेंस को ऑडियंस के बीच में बैठना पड़े, या फिर प्लान्स कुछ ऐसे भी आ रहे हैं सामने में भी वो बेली को भी बुक कर सकती हैं, और जो बेली हैं वो हमें अपना एक डिंगडोंग शो होस्ट करती हुई नजर आ सकती हैं रेसलमेनिया के अंदर, और उसके जो स्पेशल गेस्ट होंगे वो बेकिलेंस होने वाले हैं, और इस तरीके से जो बेकिलेंस की रिटर्न है वो मे बी रेसलमेनिया के अंदर हो सकती है। अभी फिलहाल कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, लेकिन बेकिलेंस की ये वर्कआउट वाली फोटो पोस्ट करनी, ऊपर से ऐसा नाइट वन वाला कैप्शन पोस्ट करना जरूर से काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, और देखने में ऐसा लगता है बेकिलेंस अपने WWE रिटर्न के लिए पूरे तरीके से रेडी है। आपके हिसाब से क्या उन्हें रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न करना चाहिए या फिर नहीं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सेना के बारे में भी जुड़ी है। अभी फिलहाल जो जॉन सेना है वो हमसे भी जानते हैं, जो अपनी पीस मेकर मूवी है उसकी हमें शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और जॉन सेना ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि हजारों बार कहा है कि वो इस साल रेसलमेनिया 37 का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन भाई आपको बता दूं रिसेंटली बहुत ही सरप्राइज रिपोर्ट आई है सामने, जब रेसलमेनिया को होने में बहुत ही कम घंटे बाकी रह गए हैं, और उनका मानना यह है कि इस साल रेसलमेनिया में भी जॉन सेना की एक स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, और एक सरप्राइज वे में जॉन सेना इस साल रेसलमेनिया का भी किसी ना किसी तरह हमें पार्ट होते हुए नजर आएंगे। रिंग साइड न्यूज की तरफ से ये वाली अपडेट भी आती है सामने, और वो बताते हैं कि अभी फिलहाल उन्होंने बैक स्टेज के ऊपर पूछा है कि भाई जॉन सेना का क्या स्टेटस है इस साल रेसलमेनिया को लेकर, और बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स का मानना यह है कि किसी ना किसी वे में किसी ना किसी तरीके से जॉन सेना इस साल रेसलमेनिया का भी पार्ट होने वाले हैं। अभी फिलहाल फिजिकली अपीयर तो नहीं हो सकते हैं, और उसके सबसे ज्यादा कम चांसेस इसे हैं क्योंकि जॉन सेना भी फिलहाल टैंपा के अंदर नहीं है। अगर जॉन सेना स्टिल पार्ट हो जाते हैं रेसलमेनिया का वो भी फिजिकली, तो ये काफी शॉकिंग थिंग जरूर रहने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल जो करंट रिपोर्ट आई है सामने, उनके हिसाब से जो WWE सुपरस्टार्स है उनका कहना ये है कि मे बी WWE जॉन सेना को इस साल रेसलमेनिया का पार्ट बनाएगी, चाहे वो वीडियो पैकेज के थ्रू बनाए, चाहे जो लाइव कॉन्फ्रेंस या फिर कह लो वाया सैटेलाइट वाली कॉलिंग होती है उसके थ्रू बनाए। अब कोई भी चीजें होती है वो रेसलमेनिया के अंदर पता लगेंगी, देखो भाई जॉन सेना रेसलमेनिया का पार्ट होते हैं या फिर नहीं। और अभी फिलहाल मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि जॉन सेना पार्ट हो ही जाएंगी। अब जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये तो फेक न्यूज पे फेक न्यूज दे रहा है, तो आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा पूरे आर्टिकल का, आप लोग एकदम तसल्ली से जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रेसलमेनिया 37 के स्टेज के बारे में जुड़ी है, और ऑलरेडी हम सभी रेसलमेनिया का जो पूरा स्टेज है उसके एक वीडियो एंड जो काफी सारी फोटोज है वो देख चुके हैं, क्योंकि WWE ने आज से कुछ घंटे पहले ही वो वीडियोज एंड जो फोटोज है खुद ही रिवील कर दी थी। अगर मैं स्टेज की बात करूं तो भाई मुझे स्टेज एकदम 10 out of 10 लगा, स्टेज शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी कि एंट्रेंस रैप की शुरुआत से लेकर आखिरी तक, ऊपर से जो ऊपर WWE शिप लगाई है कैरन के अंदर से हमें पायरो बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी। लेकिन अगर वही मैं आपसे कहूं कि WWE अब ड्रोन प्रोजेक्शन का भी यूज करने वाली है, और जो सुपरस्टार का कैच फ्रेज या फिर उसका लोगो होता है उसकी भी एक प्रोजेक्शन होगी रेसलमेनिया के एंट्रेंस के दौरान, तो शायद आप लोग कहोगे कि भाई ऐसा तो शायद पॉसिबल होगा नहीं और WWE इतनी बड़ी पागलपंती करने नहीं वाली है। लेकिन भाई आपको बता दूं आज से कुछ घंटे पहले कुछ फोटोज आई हैं सामने, और उस फोटो के अंदर ये बात पता लग रही है कि मे बी WWE अपने ड्रोन जो प्रोजेक्शन है उसका यूज कर रही है, और वो सुपरस्टार का कैच फ्रेज हमें प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएगी। और अभी फिलहाल उसका जो एक टेस्ट ट्रायल है वो चल रहा है रेमंड जेम्स स्टेडियम के अंदर, और उसकी जो कुछ फोटोज रिसेंटली रिवील हुई है वो फोटोज आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे। पहली जो फोटो है उसमें हमें हवा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो लिप्स है वो प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जरूर से बायंका ब्लेयर का कैच फ्रेज है, और ये जो कैच फ्रेज है या फिर कह लो ये जो लोगो है वो बायंका ब्लेयर के आउटफिट वगैरह या फिर उनके एंट्रेंस के दौरान हमें टीवी के ऊपर भी दिखाई देता है। तो WWE क्या ट्राई कर रही है यहाँ पर, वो एकदम 3D में प्रोजेक्शन के थ्रू ये चीजें प्रोजेक्ट करने का ट्राई कर रही है, और अभी फिलहाल एक टेस्ट ट्रायल जिसको हम कहते हैं वो बायंका ब्लेयर की एंट्रेंस का हो रहा है रेमंड जेम्स स्टेडियम के अंदर। और जो बाकी फोटोज आई है सामने वो भी देख पा रहे होंगे, दूसरी फोटो के अंदर हमें जो साशा बैंक्स का चश्मा है जो कि पर्पल वाला होता है वो भी प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही में हमें EST भी प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगता है ऐसा है कि हर सुपरस्टार की जो एंट्रेंस का कैच फ्रेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। फिएंड की जो एंट्री है वो भी कुछ इस तरीके से ही होगी, क्योंकि जो ड्रोन है प्रोजेक्शन वाले उनसे लेट मी इन भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी भी फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो भाई WWE काफी सारी चीजें कर रही है इस साल के रेसलमेनिया को बिना WWE के बड़े सुपरस्टार से भी बड़ा रेसलमेनिया बनाने के लिए WWE अपना पूरा एफर्ट दे रही है और मेरे हिसाब से उनका एफर्ट जरूर काम आएगा रेसलमेनिया का जब उन्होंने ऐसी सिचुएशन में स्टेज ऐसा बना लिया है। तो भाई सोचो प्रोजेक्शन के टाइम में हमें कितना मजा आएगा, हमें छोड़ो जो लाइव ऑडियंस बैठी होगी उनको भी काफी मजा आने वाला है और WWE लाइव ऑडियंस की जो एक बार फिर से स्वागत है वो बहुत ही धांसू वे में करेगी रेसलमेनिया 37 के अंदर। तो भाई ये वो कुछ चीजें जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए थी रेसलमेनिया 37 से पहले। काफी जल्दी जो गेमिंग चैनल है उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाली हैं। बाकी भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी काफी सारी अपडेट जानने को मिलती रहे। रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 की वीडियो के साथ काफी जल्दी मिलता हूं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।